हेलो एवरीवन, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं और आपको वीडियो एक भी मिनट स्किप नहीं करना है और शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज के दिन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रवि देखिए एक कार्य को 2 दिन में करता है और कमल उसी काम को 6 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे डियर स्टूडेंट पूछा गया है। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। देखिए जो एलसीएम लिया जाता है डियर स्टूडेंट, यही टोटल वर्क होता है, यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो 2 तिहाई 6 और 6 कन्नम 6, यानी रवि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और कमल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब दोनों मिलकर देखिए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 6 काम को कितने दिन में करेंगे, 6/4। 6/4 यानी 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 1 सही 1/2 दिन। 1 सही 1/2 दिन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सेकंड के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आपका क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक आपका क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आप सभी लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया, जिसका डियर स्टूडेंट एरिया यानी क्षेत्रफल आपको दिया है 4.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका परिमाप आपसे पूछा गया है। परिमाप यानी क्या पूछा गया है, पेरीमीटर आप लोगों से पूछा गया है। परिमाप यानी पेरीमीटर आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4a² इज इक्वल आपका कितना दिया है 4√3। √3 से √3 आप कैंसिल कर देंगे तो a² बराबर कितना आ गया 4 × 4। तो यानी डियर स्टूडेंट a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर 4 आ गया। अब देखिए आपको परिमाप यानी पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का बनाना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, समबाहु मतलब आपको पता चल रहा है समान बाहु, यानी आपकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। तो यानी 4 × 3 कर देंगे, कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 12, कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें? चलिए समझ में आ गया होगा। ये आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और बने रहना है। आपको देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का देखिए अगला दिया है, एक वृत्त के व्यास का निर्देशांक दिया है, यानी आपको वृत्त के व्यास का जो निर्देशांक दिया गया है डियर स्टूडेंट, वो क्या दिया गया है, वो आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट, -2 और 10। -2 और कितना दिया है 10 दिया है और क्या दिया गया है 12 और -4। तो आपके वृत्त के केंद्र का क्या पूछा गया है, निर्देशांक, यानी वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है। चलिए यानी आपको देखिए एक सर्कल है, देखिए ये आपका क्या है सर्कल है, ये आपका देखिए क्या है एक सर्कल है और सर्कल देखिए, तो सर्कल के बाद ये देखिए आपका क्या है एक यहाँ से व्यास चला गया, यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका क्या है सेंटर पूछा गया है। तो हम सेंटर को हम मान लेते हैं ये x है और ये क्या है आपका y है, क्योंकि यही x और y का मान आपसे पूछा गया है। और आपको कितना दिया गया है व्यास, -2 और कामा कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट 10, कितना दिया गया है 10 दिया गया है। और उसके बाद आपको कितना दिया गया है 12 दिया गया है और माइनस का 4। अब ध्यान से समझिएगा। अब चलिए देखिए उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से x और y का बताना है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये बातें आपको ध्यान देना है। अगर आपसे सर्कल के सेंटर का क्या पूछेगा, निर्देशांक यानी क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका x1 हो गया, ये आपका क्या हो गया y1, ये आपका x2 हो गया और डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया y2 हो गया। तो x1 बराबर कितना दिया है -2 प्लस 12 बाई 2, ये x का मान हो गया। और यहाँ से y का मान आपका कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा y1 10 और देखिए प्लस माइनस -4 बाई 2। तो यहाँ से x बराबर आपका देखिए कितना आ गया -2 प्लस 12 कितना आ जाएगा डी आर स्टूडेंट 10 और 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5। और y बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 10 -4 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 3। तो यानी यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। आज के दिन का ये थर्ड क्वेश्चन है जो कि बार बार कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं डियर स्टूडेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, एक अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखिए कुछ देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, एक आपको सर्कल दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सर्कल दिया गया है, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींची गई है जो इस सर्कल को स्पर्श करते हुए जा रही है। इसको एक नाम दिया गया है टी। चलिए दूसरे से हम नामकरण कर देते हैं। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट टी है, ये आपका क्या है पी है, इसको हम मान लेते हैं ये P है और ये आपका क्या है T डैश है। उसके बाद फिर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका देखिए क्या है, एक सेंटर है। यहाँ पे आपका सेंटर है, इसको ऐसे मिला दिया गया है, इस तरीके से मिला दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया गया है। और ये आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया है, ये आपके क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल आपसे डियर स्टूडेंट इसकी यानी x की वैल्यू आपके क्वेश्चन में पूछी गई है और ये आपको कितना दिया है 140 डिग्री और ये आपका क्या है O है। तो अब ध्यान से देखिए आपसे पूछा गया है यही x की वैल्यू पूछा गया है, x की वैल्यू पूछा गया है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखना, जब एक सर्कल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक जो सर्कल होता है आप सभी लोग पढ़े होंगे क्या, देखिए एक सर्कल होता है, देखिए एक सर्कल होता है आपका ये और देखिए एक आपका क्या हो गया रेखा, इस पे आप लोग पढ़े होंगे हमेशा। ये मान लीजिए आपका पॉइंट है तो इस पे हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे आप पढ़े होंगे सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ये आपका 90 है और ये देखिए आपको अब यहाँ से अगर ये वाला पता चल जाएगा, अगर मैं ये वाला पता कर लूँ, ये वाला कौन सा, अगर मैं ये वाला पता कर लूँ, ये वाला अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि ये x का मान क्या होगा, तो मुझे x का मान यहाँ से पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखें, आपको पता है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो हम इसको भी मान लेते हैं कि x है और इसको भी हम मान लेते हैं कितना है x है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 2x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल 180। क्लियर है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 140 40। तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 20, यानी जो ये ब्लू कलर से लिख रहे हैं इसका मान कितना आ गया 20 आ गया। तो आपसे इसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, इस वाले एंगल का पूछा गया है। ये 90 हो गया, ये 20, तो 90 और 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 110। 110 है तो यानी 180 माइनस 110 कर देंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी इस x का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें। चलिए आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन 15 अंश और प्लस कास 105 अंश का आपको मान बताना है। आपको क्या बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आप सभी लोगों को इसका मान बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। साइन 15 अंश प्लस कास 105 अंश। देखिए साइन 15 अंश को तो ऐसे ही आप लिखे रहिए, साइन 15 अंश। अब देखिए कास 105 को आप लिख क्या सकते हैं, कास 105 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कास 90 प्लस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया साइन 15 अंश। अब देखिए कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए कास अगर 90 डिग्री हमेशा चेंज हो जाएगा, कास किस में चेंज होता है, कास 90 प्लस थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन क्या हो जाएगा 15, माइनस साइन 15 अंश। साइन 15 से साइन 15 कट जाएगा, इज इक्वल कितना हो गया 0। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ है। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखिए जब आप जाएंगे तो ये 90 प्लस थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है 180। तो अब 90 प्लस है तो कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे A S T और C, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव, इसमें टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव, इसमें कास और जो है सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा निगेटिव। तो चलिए यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन 15 अंश और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक गोले का आयतन, यानी एक गोले का यानी एक आपको स्फीयर का वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया है, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 6 है। गोले का आयतन यानी आपको गोले यानी स्फीयर का जो वॉल्यूम दिया गया है डियर स्टूडेंट वो आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे इसका वक्र पृष्ठ पूछा गया है, वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है यानी वक्र पृष्ठ आपसे पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है। गोले का आयतन आप सभी लोग पढ़े होंगे कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान रख देते हैं कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल 4851। हमने डायरेक्ट रख दिया गोले का आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखिए किसी से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 11 से कट, देखिए 11 से कटना ही कटना है। तो अब यहाँ से देखिए हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसको क्या करिए 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44, कितना बच गया डियर स्टूडेंट 45, 11 चौके 44, 11 इकन्नम 11। अब ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, अब किससे कटेगा ये, अब किसी से कटेगा। तो चलिए नहीं कट रहा तो हम देखते हैं, आर क्यूब बराबर कितना हो गया 4 इंटू 4 1 इंटू 3 इंटू 7 अपान 4 इंटू 2 तो अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए आर क्यूब है, आर क्यूब देखिए 441 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू 21। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। 21 इंटू 21 इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 21। तो एक ही बार लेना है तो आर क्यूब मतलब कितना आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21। मैं 4 को भी क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 21/2। त्रिज्या कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 21/2। आपसे वक्र पृष्ठ पूछा गया है यानी कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। एक सेंस आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि इस टाइप कभी भी क्वेश्चन पूछे पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, सबको पता है, यानी हम ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। इस बात का हमेशा ध्यान देना, पहले तो आप यही डायरेक्ट चेक किया करिए कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, वहाँ एलिमिनेशन हो जाता है। यह अभी मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ, आपको मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस पर रख देंगे 4 पाई का मान कितना है 22/7। आर स्क्वायर यानी आपका कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 3 = 21, 2 दूनी 4 से ये आपका कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया यहाँ से 22 × 3 = 3, 3 दूनी 6, 63। 22 × 63 करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट डिजिट से मिलाया करिए, 3 दूनी 6 अगर ऑप्शन होता तो आप यूनिट डिजिट भी एक तरीका था। तो चलिए ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगले देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको 25, क्वेश्चन कह रहा 25। देखिए क्वेश्चन है 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। आपसे इसमें माध्यिका पूछा गया है, माध्यिका पूछा गया है डियर स्टूडेंट। क्या पूछा गया है माध्यिका आप लोगों से पूछा गया है, यानी मीडियन आप लोगों से पूछा गया है। माध्यिका यानी आपसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट, मीडियन आप लोगों से पूछा गया है, मीडियन आपसे पूछा गया है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और आपसे माध्यिका यानी क्या पूछे, मीडियन पूछे, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा करिए। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में लिखा करिए, यानी असेंडिंग आर्डर जिसे बोलता है, आरोही क्रम जिसे बोलते हैं, उस क्रम में हमेशा सबसे पहले लिख लिया करिए। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले 20। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 20 के बाद हम क्या लिखते हैं, अब इसमें देखिए 20 आप ले लिए हैं, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 22 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 23 दिख रहा है तो 23 लिख लीजिए। 23 के बाद आपको क्या दिख रहा है 25 तो 25 लिख लीजिए। 25 के बाद आपको क्या लेना है 26 तो आप 26 ले लीजिए। 26 के बाद आप क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए 29 दिख रहा है तो 29 आप लिख लीजिए। 29 के बाद आप क्या लिखेंगे 29 भी हो गया। 29 के बाद आपके पास बचा है 31, 31 भी हो गया। फिर आपके पास क्या बचा है 32 तो 32 लिख दीजिए। फिर 34 और फिर 35, यानी सभी संख्याएं हो गई। और आप हमेशा काउंट कर लिया करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो, ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए पूरे हो गए। अब आपसे देखिए माध्यिका मीडियन पूछा गया तो बीच का नंबर लेना है, तो आपकी चार संख्याएं इधर हो गई और चार संख्याएं इधर हो गई, तो दो संख्याएं पड़ी आपके बीच में, तो इन दोनों को ऐड करके बाई क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो यानी 26 + 29/2, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 एक आ गया 2 2 4 1 5 55/2। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27.5, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 27.5 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, चलिए आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आपका क्यूब है जिसका संपूर्ण पृष्ठ यानी आपका एक क्यूब है जिसका घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर आपको कितना दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे क्यूब का क्या पूछा गया है वॉल्यूम आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है क्यूब का यानी टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 6a² कितना होता है डियर स्टूडेंट 6a² होता है इज इक्वल 384। 6 से काट देंगे तो 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 छ 36 और 6 चौके 24 a² बराबर 64 आ गया। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 8, a बराबर कितना आ जाएगा 8। और वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम कितना होता है डियर स्टूडेंट वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब यानी 8 × 8 × 8 8 का क्यूब कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 8 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर्स हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था डियर स्टूडेंट आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये सब ऐसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह छोटा ही क्वेश्चन लेकिन बार बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसको कर भी नहीं पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए आपको एक चित्र दिया गया है, देखिए बेहद इजी क्वेश्चन है। आपको एक चित्र दिया गया है, हम इसको बना लेते हैं। ये आपका चित्र है, नामकरण कर दिया जाए इसका A B C और D। ये आपका B है, ये आपका क्या है ये आपको B साइड दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है A दिया गया है, ये आपका क्या दिया है A दिया गया है। तो आपको इसमें दिया गया है जो AB है वो AB पैरेलल किसके है डियर स्टूडेंट CD के। AB पैरेलल किसके दिया गया है CD के दिया गया है। तो आपसे जो है समलंब का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपसे पूछा गया है यानी समलंब। आपसे समलंब का क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट एरिया आपसे पूछा गया है यानी समलंब का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट समलंब का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया गया है डियर स्टूडेंट फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका जो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी मैं क्वेश्चन भी रिलेट करके बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका जो एरिया का फार्मूला होता है हाफ A + B × H यानी 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई आपका क्या होता है फार्मूला। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है यानी हाफ A + B × H। मान लीजिए कल की आपको क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, यहाँ आपको दे देगा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे दे, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे दे। और ये जो आपकी हाइट है, ये आपको हाइट दिया गया था, ये जो आपकी हाइट है इसको कितना दे दें मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि समलंब का क्षेत्रफल बताइए, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए। तो आपको फार्मूला अगर याद नहीं होगा डियर स्टूडेंट तो आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए हाफ आपको दोनों 8 + 12 ये भुजा और ये भुजा आपस में ऐड करना है और इंटू हाइट को अलग से कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 × 10 × 5। तो 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए डियर स्टूडेंट आपको हमने स्टार्टिंग से ही बता दिया है, आपको देखने से ही लगेगा कि हाँ वाकई में आज जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए ध्यान से देखिए आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया है पी रेशियो क्यू। पी रेशियो क्यू बराबर कितना दिया है, 3:4। 3:4 दिया गया है और क्यू रेशियो आर बराबर कितना दिया है, 8:9 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो पी रेशियो आर का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब चलिए ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ध्यान समझते हैं। अब ध्यान से देखिए कुछ करना नहीं है, पी रेशियो आर पूछा गया है, पी रेशियो आर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ करना नहीं है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिले तो क्यू को बराबर किया करिए। क्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8। अब तो एकदम आसान है, सिर्फ ऊपर वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। इसको आपको डियर स्टूडेंट इक्वल करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो अब यहाँ से यही रहेगा पी रेशियो आर, पी का मान कितना आ गया 6 और आर का मान 9 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 6:9 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर्स हो जाएगा। चलिए ये तो आपका एक तरीका था, मैं एक तरीके से और इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, आप सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए पी रेशियो क्यू है डियर स्टूडेंट, कितना दिया है 3:4 और क्यू रेशियो आर बराबर कितना दिया है 8:9। तो आप हमेशा नीचे लिखा करिए। अब ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पे संख्या रहे, जो आपकी यहाँ पे संख्या रहे, देखिए जो यहाँ पे संख्या रहे आप इधर लिखा करिए और जो यहाँ पे संख्या रहे, जो ये 8 है, जो यहाँ पे संख्या रहे इसको आप इधर लिखा करिए। तो अब देखिए पूरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको देखिए और सरल करना चाहें तो सरल हो जाएगा। 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6 रेशियो कितना हो गया 8 और रेशियो 9। 9 × 9 हो जाएगा, 8 × 9 8, 6 × 8 9। तो आपसे पूछा गया है पी और आर, पी और आर का पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा 6:9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही सेशन को हम यहीं तक रखते हैं।